सर एक एक्सक्यूज मी सर, सर एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अभी मुंबई के अंदर अभी 3-4 दिन पहले जैसे एक अंधेरी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ब्रिज गिर गया था, तो इसके ऊपर आपकी कोई प्रतिक्रिया, आप कुछ पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए पब्लिक अभी डर डर के जी रही है। लास्ट टाइम भी बारिश आया था तभी भी एक ब्रिज गिर गया था एल्फिस्टन का, जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे। उससे कोई भी हो सकता था, मैं हो सकता था, आप हो सकते थे, आम नागरिक कोई भी हो सकता, जो टैक्स भर रहा है, टैक्स भर रहा है, ब्रिजेस को ऑडिट नहीं हो रहे हैं। क्यों पुरानी चीज़ों को अभी भी रखा हुआ है, क्यों लोगों को अलाउ किया गया है कि वो पुराने स्ट्रक्चर में रहो? अगर कल वो स्ट्रक्चर गिर गया तो उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? और मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसी बारिश होती है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बारिश की वजह से। तो हमको पहले से ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे सिर्फ कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करना चाहिए। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई, जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, जिसे पिछली सरकार ने वादा किया था कि वो शंघाई बनाएगी। शंघाई छोड़िए, आज हम खड़े हैं साइन कोलीवाड़ा के ब्रिज के ऊपर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाहनों का आना जाना लगा रहा है, और उसके बावजूद हमें किस तरह की सुविधा दी जा रही है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वडाला ब्रिज है, वडाला ब्रिज के ऊपर खड्डे है, पूरी ब्रिज क्रैक हो चुकी है, कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, ना यहाँ के प्रशासन कोई ध्यान दे रही है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पब्लिक लोग आते हैं जाते हैं, गाड़ियाँ चलती है, बाइक चलती है, स्कूटरें चलती है, किसको खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जावे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार से अपील करना चाहूँगा कि ये देखिए, यहाँ पे जो आम पब्लिक है उनकी जान कोई सस्ते में तो आती नहीं है, गरीब इंसान लोग है, मर जाएंगे, उनका कौन देखेगा, उनका कौन करेगा? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बीचों बीच पानी जमा हो रखा है, अगर गलती से भी इसमें कोई टू व्हीलर चला जाता है अनजाने में, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हादसा हो सकता है। आखिर जिम्मेदारी लेगा कौन? कब तक प्रशासन बचता रहेगा? जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग हैं गुरु तेग बहादुर नगर, जिसे हम लोग जीटीबी नगर कहते हैं। मुंबई का ये निचला इलाका है, जहाँ पे आप इमारतों की हालत देख सकते हैं किस प्रकार से जर्जर हो रही है। प्रशासन से एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसी हालत में जो लोग यहाँ पे गुजर बसर अपना कर रहे हैं, उनकी जान माल का अगर नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? प्रशासन या यहाँ के रहने वाले स्थानीय नागरिक? जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे इमारतों की हालत इतनी खस्ता हो रही है कि यहाँ पे रहने वाले तो छोड़ो, अगर यहाँ से अगर कोई गुजरता भी है, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है कि कब जब ये इमारत गिरने वाली है। इस वक्त हम लोग बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं, तो इस बिल्डिंग का रास्ता आप देख सकते हैं कि मानसून में ये जो नज़ारा है, ये मेन मुंबई का नज़ारा है। इस बिल्डिंग की जो एंट्रेंस है, उसकी छत देखिए, इसमें लगे हुए वायर को देखिए, ये लोगों आरो खबरेर अपडेट पेते सब्सक्राइब करूँ आमादेर यूट्यूब चैनल टी, आर बेल आइकने क्लिक करूँ नोटिफिकेशन्स पेते।